नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रशिक्षुओं, क्या आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट का 1/4 अंक जोड़ा जाएगा? अगर 1/4 अंक जोड़ा जाता है तो क्या एकेडमिक खत्म हो जाएगा उधर से आपका? अगर एकेडमिक भी जोड़ा जाता है और 1/4 अंक इधर जोड़ा जाता है, यानी कि 1/4 मतलब कि 25% यूपी टेट का, तो आपके लिए क्या चीज़ें थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस हो जाएंगी? आपको कितना मेहनत करना होगा यूपी टेट पे और साथ में सुपर टेट पे भी? यहाँ तक तो मैं बता देता हूँ, यह किसी से भी नहीं छुपा है कि आने वाली सुपर टेट में चाहे जितना भी आसान पेपर क्यों ना है, है ना, कंपटीशन की दुनिया में आसान पेपर ही डिफिकल्ट होगा, इतना समझ में सबको आ रहा होगा। तो मैं सारी चीज़ों पे पहलुओं पे बात करूँगा, आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। क्या यह 1/4 ऑफिशियल है या फिर ऑफिशियल हो सकता है, नोटिस आ सकती है, क्या यह कितनी सच्चाई है, मैं सब विषय पर बात करता हूँ। पहली बात तो अपने मन में एक चीज़ बैठा लेना है कि मेहनत तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस बार करनी है, चाहे बीएड के बच्चे हों चाहे डीएलएड के बच्चे हों, निश्चित रूप से मेहनत करने हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि बीएड वाला स्ट्रांग है, ना भाई, अगर आपने डीएलएड नहीं किया तो वही उठकर बीएड कर लिया तो कहाँ से आसान हुआ। बल्कि डीएलएड वाले और मजे होते हैं, डीएलएड वाले बच्चे प्रशिक्षु जो होते हैं और माजे होते हैं अपने आप को, पता है क्यों? क्योंकि जो फोर्थ सेमेस्टर तक सारी चीज़ें होती हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ की अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा आपके सुपर टेट में, यूपी टेट में। और इस बार पूरा का पूरा आप इतना ध्यान में रख लेना, अगर आपको यूपी टेट और सुपर टेट, अगर यूपी टेट पे यह 1/4 सही बात है, अभी मैं जिक्र करता हूँ सारी पहलुओं पे, बस हमारे साथ 5 से 6 मिनट आप रहना बस, और अंत तक रहना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर यह 1/4 वाला प्रोसेस सत्य है तो सच में बताऊँ ना आपको कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, देख लेना जितने भी बीटीसी वाले छात्र हैं, मैक्सिमम छात्र कुछ को छोड़कर जो बीएससी किए हुए हैं या फिर जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ही रहा है, उनको छोड़कर मैक्सिमम छात्रों का, मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स वीक है। और बिना मैथ के आप ना ही यूपी टेट में अच्छे अंक ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ना ही सुपर टेट में। सुपर टेट में 30 से 35 नंबर 40 नंबर के आसपास सारी चीज़ें आएंगी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जोड़ ले तो, और केवल मैथमेटिक्स जोड़ ले तो 30 से 32 नंबर आएगा। और यूपी टेट में 30 नंबर धरा का धरा है भाई मैथ का। अगर आप इस 30-30 नंबर को निकाल कर देखते हो ना, तो आप अपने आप को उस जगह आंकोगे, जैसे कि 30 नंबर है, मैंने 30 नंबर को निकाल दिया यूपी टेट से, तो आपका प्रश्न पत्र कितने का हो गया, 120 नंबर का हो गया। अब आपको 120 में 120 लाना दुविधाजनक बातें हो जाएंगी और एक दुश्वार हो जाएगा लाना, नहीं कोई नहीं ला सकता 120 में 120, निश्चित रूप से नहीं ला सकता कोई, चाहे जितना भी स्ट्रांग आपका हिंदी हो, चाहे जितना स्ट्रांग संस्कृत हो, इंग्लिश हो, लेकिन बिना मैथ के खेला नहीं होने वाला है। उधर अगर सुपर टेट की बात करें तो सिलेक्शन तक पहुंचे ही नहीं पाओगे अपने आप को, इतना समझ लीजिए। अगर आप मैथ अपना स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, बेसिक क्लास भी, और इसके पहले भी मैंने खत्म कर दिया, आप चाहें तो 12 बजे डेली देख सकते हैं उसको, है ना, वो तो बाद में बात कर लेंगे उसके लिए, यह बात हो गई। तो पहले तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर चाहे जितना ही आए, बिना मैथ के सारी चीज़ें नहीं घटने वाली हैं। हमारे साथ जो हो रहा है, बिना मैथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ, ये बातें कितनी सत्य हैं मेरे लाल, देखना। अगर मैं कह दूं, अगर आपका जो यह भाई यूपी टेट है, अगर यूपी टेट पे 1/4 अंक करते हैं इस बार, तो क्या एकेडमिक खत्म हो जाएगा? 1/4 का मतलब है 25% पूरे, 25% यानी कि 10% आपके हाई स्कूल पे, 10% आपके इंटर पे, और 10% आपके जो ग्रेजुएशन है उस पे, और 10% आपका जो आप बीटीसी बीएड किए हैं उस पे, 10-10%, ये 40% इधर हो गया। और 25% मतलब 1/4 का मतलब 25% अगर ये यूपी टेट पे लेते हैं तो जो बचेगा ना, 40 और 25 कितना हो गया, 65 हो गया, 40 और 25 65 हो गया, 65 बचने के बाद जो बचेगा ना, उसको हो सकता है वो सुपर टेट में भिड़ाए। अगर ऐसा दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट हो रहा है आपके, जैसे जितना कि मैं सोच पा रहा हूँ, अगर आप भी ये चीज़ें सोच रहे हो तो शायद ऐसी घटना घटे। और लेकिन अगर आप कह रहे हो डायरेक्ट कि एकेडमिक क्या खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नोटिस नहीं है, और हमारे समझ से तो एकेडमिक इस साल तो नहीं खत्म होने वाले हैं, डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, आयोग बन रहा है तो मे भी कुछ छेड़खानी कर सकता है। और मैं कह दूं कि यूपी टेट क्यों नहीं हो सकता भाई 1/4, आप खुद बताओ क्यों नहीं हो सकता 1/4? निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि जब वह उन्होंने इसको लाइफ टाइम कर दिया है तो जाहिर सी बात है 1/4 करने में क्या दिक्कत है, या फिर उसको एकेडमिक में, उसको गुणांक में जोड़ने में कोई दुविधा नहीं होगी। अगर आप उसमें यह सोचकर बैठते हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी यह सोचकर बैठते हो, तो मत बैठना कभी, है ना। अब तो आपको यह सोच के बैठना होगा कि मुझे पास नहीं, मुझे अच्छे अंक लाने हैं, मतलब 120 नंबर लेके ही आने हैं किसी भी सूरत में, यूपी टेट में किसी भी हालत में आपको 120 नंबर लेके आना है। अगर आप इधर 120 नंबर लेकर आते हो, एकेडमिक आपका अच्छा है, लगभग 30 गुणांक बन रहा है उधर का, और इधर 120 नंबर लेकर आते हो तो 25% इसका निकालोगे 120 का, तो मतलब 80% बनेगा 150 का, 120 80 का भी 25% निकालोगे तो आपका 20 नंबर आएगा, 20 गुणांक इधर बना, 20 गुणांक इधर और 30 गुणांक उधर, 30-20-50 गुणांक आप इसी में पा गए।
अब रही बात सुपर टेट में, आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। आप 110 तक लेकर आते हो, जनरल जैसे बच्चे हो ना, जनरल बच्चे हो ना मेरे तरफ, तो आपको 110 112 115 तक अगर लेकर आते हो आप, तो इतना समझ लेना आप सफल हो। चीज़ें है ना, ये चीज़ें दिमाग में लेकर चलनी हमें, यानी कि 110 उधर उधर भी देखोगे तो लगभग 120 अगर लेकर आते हो आप, उधर 120 लेकर आते हो, उधर भी 80%, यानी 80% का मतलब कि गुणांक निकालोगे तो लगभग 30 के आसपास में आएगा ना, देखना जरा, मतलब 45% उधर निकालना पड़ेगा, यानी कि 120 का 45%, 120 नहीं 80 का 45%, क्योंकि परसेंटेज जो बनता है उसका हम गुणांक निकालते हैं, तो जो परसेंटेज बना है आपका 80%, 120, 150 का अगर निकालेंगे तो 80% बनेगा, 80% का भी 45% निकालेंगे आप सभी, 80% का भी 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10, यानी कि 80 × 45/100 कर लीजिए, आ जाएगा 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10 = 20, 0 × 0 = 2 = 8, यानी कि 4 × 9 = 36, कितना बनेगा 36 बनेगा, 36 और इधर 50 जोड़ लो, कितना मस्त तरीके से आपका बहुत ही लाजवाब, कोई रोक ही नहीं सकता फिर पास होने से। तो मतलब खेला किसका है यहाँ पर, किस सब्जेक्ट का है, आप समझने का प्रयास करिए, मैथ का खेला है। हिंदी तो सभी लोग पढ़ेंगे, CDP भी सभी लोग उखाड़ के फेंकेंगे निश्चित रूप से, हिंदी CDP इंग्लिश 10 नंबर, संस्कृत 10 नंबर, वो सभी लोग मैक्सिमम नहीं तो 8-7 क्वेश्चन इतना तो टच करके ही आएंगे, लेकिन खेला जहाँ पर बिगड़ता है ना मैथ में, मैथ में सभी बच्चे पूरा का पूरा अंक उठाना है मुझे, इतना ध्यान में रख लेना, अगर इतना माज दो अपने आप को ना कि 30 में 29 भी ना होने पाए, क्योंकि मैथ आसान आएगा, अगर 29 मतलब 30 में 30 ना सही तो 28-29 के एवरेज में हम रहें तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों, नहीं तो फिर मैथ ही ना पूरा जड़ है इस खेल का, इस खेल का अंत मैथ ही करेगा आपका, इतना दिमाग में रख लेना। तो बस यह चीज़ें थी, और यह ऑफिशियल नहीं है अभी फिलहाल में कि आपका 1/4 अंक जुड़ने वाला है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा आपको, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अभी से निश्चित रूप से करिए, क्योंकि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, दुनिया मस्त तरीके से कर रही है, आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो फिर, मतलब आपको आने वाला जो माहौल बनने वाला है ना उसका कुछ भी आभास नहीं है आपको, मतलब ये आप उससे बिल्कुल अपने आप को किनारा कर लिए हो ना, तो इस बात को ध्यान में रख लेना मेरे कि आपको अभी से केवल सुपर टेट के ऊपर ध्यान देने हैं। अगर आप यूपी टेट सी टेट क्लियर करके बैठे हुए हैं तो आप यूपी टेट पे मतलब ध्यान, जो भी अगर जो बच्चा अभी यूपी टेट देने वाला भी है तो आगामी हो सकता है यूपी टेट हो भाई, सुपर टेट के पहले हो सकता है, नहीं मैक्सिमम मतलब 100% नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो चांस बन रहे हैं यूपी टेट का जरूर बन रहा है, क्योंकि अगर ये एकेडमिक करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बार सारे बच्चे यूपी टेट देना चाहेंगे और सबका अच्छा नंबर लाना, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि 90 नंबर 82 नंबर ला के पास भी हुए होंगे सिर्फ, तो वो भी देना चाहेंगे, वो भी इस बार अच्छे अंक ग्रहण करना चाहेंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात अच्छे नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। अब खुद सोच लो वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा सुपर टेट की तैयारी कर रहा है निश्चित रूप से यूपी टेट में अच्छा नंबर लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह अच्छा नंबर न लेकर आए। इस वजह से मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा भाई, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे क्लासेस को देखना शुरू कर दीजिए, मैथ के खास करके जो मैंने स्टार्ट किया है वह देखना शुरू कर दीजिए, और यूपी टेट के सभी लेक्चर मैंने कंप्लीट करा के प्लेलिस्ट में सजा दिए हैं, आप ही के लिए सजाया गया है, 1 रात में 9:30 बजे आपके लिए आता है क्लास, उसको भी डेली देखना शुरू कर दीजिए। बस यही थी कहानी, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, अपने भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता हो, कंपटीशन पे थोड़ा सा भी नज़र हो आपका, तो आप देख सकते, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सुपर टेट का कर रहे हैं तो यूपी टेट जाहिर सी बात ही निकलेगा मेरे भाई। अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, उसके विषय पे हम बात करेंगे। और रही बात, ये कहानी थी अभी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं है कोई, जैसे ऑफिशियल आता है कुछ तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे, कम्युनिटी में भी लगाएंगे, टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।